सुहास देर शाम को ऑफिस से लौटा तो रसोई घर में खटर पटर की आवाज सुनाई दी। उसने झांका तो देखा कि उसकी माँ बर्तन मांज रही थी। माँ की उम्र हो चली है, वो घुटनों के दर्द से परेशान रहती है। जनवरी का महीना, मौसम बहुत ठंडा था, वातावरण में धुंध थी। इतनी ठंड महसूस हो रही थी कि उसके कान सुन हो गए थे। वह चुपके से आगे बढ़ गया। अपने बैग को उसने कमरे में रखा और हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया। उसने गीजर ऑन किया, फिर बेडरूम का जायजा लिया। उसकी पत्नी इंदु रजाई में बैठी टीवी देख रही थी। इंदु एक नंबर की नकचढ़ी, सुंदर और बेहद तेज मिजाज की है। उसे देखते ही इंदु चहक उठी। अरे आज तो आपने देर कर दी। उसने प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखा और कपड़े बदलने लगा। इंदु ने पीछे से आकर उसके गले में बाहें डाल दी। पता है मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी, उसने पूछा। क्यों, ये भी कोई बात है, इंदु शर्माते हुए बोली। चलो चाय तो पिलाओ, बहुत ठंड है। अरे काम वाली 15 दिन की छुट्टी मांग कर गाँव चली गई है, उसके ससुर की डेथ हो गई है। मुझसे ये काम धाम नहीं होगा, आपको कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। माँ कहाँ है, सुहास ने गंभीर स्वर में पूछा। पता नहीं, इंदु ने कंधे उचकाए। मुझसे उनकी ज्यादा बातचीत होती कहाँ है, मेरे बस का नहीं है उनकी फालतू बातें सुनना। सुहास सोच में डूब गया। चलो ये तो बहू है, पर माँ का बेटा भी कहाँ उसका हो गया। पिताजी को गुजरे 20 साल हो गए हैं। माँ हमेशा से चुपचाप सारे दुखों को खुद में समेट कर खामोशी से जी रही है। 10 साल का था, पिताजी की मृत्यु हुई थी, पर माँ ने उसे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। 25 बीघे जमीन की खेती अकेले संभाल ली थी। इस बात को उसके चाचा और ताऊ जी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे कि एक औरत उनकी बराबरी कैसे कर सकती है, जिसकी जुबान भी कभी उनके सामने नहीं खुलती थी। उन्होंने माँ को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर माँ ने अपने आप को बेहद मजबूती से अपने बेटे के लिए खड़ा कर दिया था। माँ कभी भी उससे इंदु की शिकायत नहीं करती है, क्योंकि वो इंदु के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित है। जब वह कुछ पूछता है तो मुस्कुरा देती है। आज जब वह कामयाब है तब भी वो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता। इंदु को समझाने का मतलब पत्थर पर सिर मारना है। वह रसोई घर में आया, माँ चाय चढ़ा चुकी थी, उसके लिए पीने का पानी गर्म कर दिया था। उसने खामोशी से पानी पिया, पर आज माँ का हालचाल नहीं पूछा। वह वहीं से तेजी से चिल्लाया, इंदु जल्दी से बाहर आओ। इंदु झल्लाते हुए बाहर आकर खड़ी हो गई। ये बुढ़िया मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम करना चाहती है, सुहास ने चिल्ला कर कहा। इंदु आश्चर्य से उसे देखने लगी। क्या हुआ, माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके हाथ कांपने लगे। अभी बाहर पड़ोस वाली काकी मिली थी, कह रही थी कि सुहास तुमने तो अपनी माँ को नौकरानी बनाकर रख दिया है। अभी आज ही काम वाली गई और देखो पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई कि सुहास की माँ नौकरानी है। इसीलिए तो कहती हूँ कि चलो अलग रहेंगे, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो। माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे, उसने कोई सफाई नहीं दी, चुपचाप भारी कदमों से अपने कमरे में चली गई। सुहास ने इंदु को कहा, जाकर जल्दी से खाना बनाओ, इस बुढ़िया से कोई काम मत करवाना। इंदु ने मन मार कर जैसे तैसे सब्जी रोटी बनाई, अपना और सुहास का खाना कमरे में लेकर आई। माँ को दिया तुमने खाना, बनाकर रख दिया है, अपने आप ले लेंगी, तुम इतनी चिंता मत करो, अलग रहने पर विचार करो। इंदु तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, इतनी जमीन जायदाद घर सब कुछ है, सब कुछ माँ के नाम पर है। तुमने अगर यहाँ से अलग होने की बात की तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, पर वो तुमसे बेहद प्यार करती हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तुम बेवकूफ हो इंदु, सारे रिश्तेदार ताक में रहते हैं, इसलिए तुम कम से कम माँ के साथ अपने मतलब के लिए तो सही रहने का ढोंग कर सकती हो। इंदु लालची है, इसलिए चुप रहकर सोचने लगी। तुम खाना खाओ, मैं जरा अभी आया, माँ को खाना देकर आता हूँ, कहीं मोहल्ले में चुगली कर दी तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी। वह रसोई घर में गया, उसने खाना गरम किया, 2 रोटी और सब्जी थी, प्लेट लगाई और माँ के कमरे में चला गया। माँ खाना बहुत कम खाती है, शरीर कमजोर है, आज तो मन भी टूट गया होगा।
माँ बत्ती बुझाकर लेट गई थी। वो जानता था कि वो सोई नहीं है बल्कि रो रही है। आज उसे बहुत पीड़ा पहुंची है। उसने लाइट जलाई। माँ उठो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम लोग खाओ, मैं सोऊंगी। उसने प्लेट मेज पर रखी और माँ के पैरों में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। माँ हड़बड़ा कर उठ कर बैठ गई। क्या हुआ तुझे? मुझे माफ कर दो माँ, तुम्हें ठंड से बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारा बेटा बहुत बुरा है। काश इंदु माँ बेटे का रिश्ता समझ सकती, शायद तब समझेगी जब वह खुद माँ बनेगी। माँ मेरी मजबूरी तुम समझोगी, मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में मेरी माँ को कोई अपशब्द कहे, पास पड़ोस में बदनाम करे। चलो उठो खाना खाओ, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उसने झट से निवाला तोड़कर माँ के मुंह में डाल दिया। मेरा बुद्धू बेटा, माँ ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसका माथा चूम लिया। वो सोच रहा था कि माँ का प्यार उसका साथ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। हे ईश्वर, इसे मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखना।